स्वागत है आपको मेरे नए वर्कआउट वीडियो में। तो आज का वर्कआउट है बैक वर्कआउट, तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं, लेट्स गो। हम अपना पहला वर्कआउट करेंगे अपने बैक वर्कआउट मशीन पे। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने अकॉर्डिंग इसमें वेट को एडजस्ट करेंगे और वर्कआउट करेंगे शुरू। और ये है 7.5 केजी का सिंगल डंबल, इसे भी लगाएंगे। तो गाइस, आप लोग भी काउंट करते रहना और मैंने कितना रेप लगाया है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। और इसे हम लगाएंगे 3 सेट और आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो चलिए दूसरा सेट शुरू करते हैं। और आप जैसे कोई भी वर्कआउट करते हो, चाहे चेस्ट हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, तो आप हर एक सेट के बाद में 30 से 40 सेकंड रेस्ट जरूर करें, क्योंकि रेस्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बीच बीच में पानी भी पीते रहें, ठीक है। और हम अपना दूसरा वर्कआउट करेंगे अपने 60 केजी के डंबल से। इसका नाम तो पता नहीं, बट काम काफ़ी अच्छा करता है। और मैं अपना थर्ड और लास्ट नंबर वर्कआउट करूंगा 15 केजी के डंबल्स। कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उस एक्सरसाइज को अपने फेलियर तक करो, तब जाके मसल पे लोड पड़ेगा और आपकी बॉडी जल्दी बनेगी, ठीक है। तो भाई, आप कोई भी वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट फेलियर तक करो, क्योंकि आप जब वर्कआउट फेलियर तक करोगे तो मसल पे काफ़ी लोड पड़ेगा और मसल मास तेज़ी से ग्रो होगा। तो भाई, आप घर पे या जिम में कहीं भी वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट फेलियर तक करो और कंटिन्यू करो, जिससे आपकी बॉडी कम टाइम में बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, एक नया जोश एंड नेक्स्ट लेवल वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।